अभी सोचिए बड़ा घर आ गया, गाड़ी है मेरे पास, मेरे पास में बंगला है, मेरे पास अच्छा बिस्तर है, तो ये सिर्फ आराम है उसके लिए, ये सुकून नहीं है। दूसरा, एक आदमी अच्छा काम करता है तो खुद महसूस होता है, एक आदमी बुरा काम करता है तो खुद महसूस होता है कि यार ये बुरा, तो उस पर यकीन होगा कि वही है देने वाला, वही है। उस पर अगर तवक्कल भरोसा उस पर होगा तो फिर असबाब वो सारे पैदा कर देगा। तो तकदीर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इंसान अगर इस पर यकीन कर ले तो कभी इंसान दुनिया के अंदर खुदकुशी नहीं करेगा। आदमी सोचता है कि सारी मुसीबत क्या मेरे ऊपर ही देनी थी, अल्लाह ने सब मुसीबत मुझे ही दे दी, देखो पड़ोसी कुछ नहीं करता तो भी देखो मैं तो नमाजी हूँ, मैं तो फला हूँ, लोगों को देता हूँ, उसके बाद भी मेरे पास मुसीबत। फिर वो सुकून ढूंढने के लिए मोटिवेशन लेक्चर के अंदर जाता है, इतना मोटिवेशन भरा हुआ है दीन के अंदर, इतनी कुरान के आयतें मोटिवेशन के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस, इतना मोटिवेशन उसके अंदर भरा हुआ है, सलफ के अकवाल किताबें पढ़े, इतना मोटिवेशन उसके अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं, मोटिवेशन स्पीच सुनने जा रहे हैं। दस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यशरली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब यहाँ हफ्तेवारी दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। इस मुख्तसर से वक्त में सुकून दिल कैसे हासिल करें, इस उनवान के ताल्लुक से चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह सुभान व तआला ने इंसान को ऐसी ज़िंदगी दी है जो मुसीबतों, तकलीफ़ों और आजमाइशों और बीमारियों से घिरी रहती है। इंसान ये चाहता है कि ये चीज़ें ना हो, लेकिन ये उसकी कम अकली है। हर इंसान चाहता है कि उसके साथ ये चीज़ें ना हो, ना बीमार हो, ना उसके पास कोई तकलीफ़ हो, परेशानी ना हो, लेकिन ये उसकी कम अकली है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि लकद खलकना इंसान फी कबद, कि हमने इंसान को तकलीफ़ वाला पैदा किया, इंसान को हमने तकलीफ़ में पैदा किया, यानी उसको तकलीफ़ उसके साथ में है वो शुरू से ही, क्योंकि वो जब पैदा होता है तो माँ को तकलीफ़ है, और इसी तरह उसके बाद वो रोता है, तकलीफ़ उसको होती है तो खुद रोता है, जब बच्चा छोटा होता है उसको समझ नहीं होती तब रोता है, वो ज़िंदगी में कई मरहले उसके पास में आते जहाँ उसको तकलीफ़ होती है, उसके बाद फिर बीमारियाँ हैं, ये सारी तमाम उसके पास तकलीफ़ें परेशानी हैं, तिजारत के अंदर दिक्कतें हैं, वो तकलीफ़ परेशानियाँ हैं, गुर्बती है, गरीबी है, तो ये तमाम परेशानियाँ उसके साथ रहती है। कुछ आदमी रिश्तेदारों से तकलीफ़ उसको परेशानियाँ हैं, किसी को पड़ोसियों से परेशानियाँ हैं, इस तरह समाज के हालात ठीक नहीं है उससे परेशानियाँ, यानी तमाम तरह की परेशानियाँ हैं, कभी सियासत से परेशान है, सरकार के नीतियों से परेशान, महंगाई से परेशान, यानी हर जगह उसको परेशानी है। और ये सब क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आजमाइश होती है, कि इंसान तकलीफ़ में पैदा किया गया तो सब चीज़ें उसके लिए आजमाइश है, और ये आजमाइश का आखिरी मरहला तकलीफ़ का वो क्या है, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो एक तकलीफ़, सबसे बड़ी तकलीफ़ वो भी है कि उसको मौत आनी है, और वो सबसे बड़ी तकलीफ़ भी है। तो हर जानदार को मौत का मजा चखना है, तो दुनिया में यहाँ पर इम्तिहान के तौर पर उसको यहाँ पर भेजा है, तो ये तकलीफ़ का मरहला है, यहाँ पर उसको तकलीफ़ होना है, परेशानी होना है, सब चीज़ें उसको यहाँ पर आना है, क्योंकि इसको पलट कर कहाँ जाना है, वापस उसी के पास जाना है, उस रब के पास जाना है जहाँ से वो आया था। तो मौत आएगी, लेकिन वो वहाँ जाएगा, उसमें भी उसको तकलीफ़ आएगी। तो अमीरी, गरीबी, ये सारे की सारी जो चीज़ें दुनिया की, ये इम्तिहान उसके लिए इम्तिहान है, और इसके अंदर इम्तिहान उसको पैसे दे के आजमाया जाता है कि ये करता क्या है। अगर इसको माल दिया, उसको पैसे छीन कर या उसको गुर्बत देकर आजमाया जाता है कि ये करता क्या है, अगर इस पर गुर्बती आ गई तो फिर इसका क्या मामला रहता है। तो हालात बदलते रहते हैं, ये हालात ज़िंदगी में ऐसे ही चलते रहना, क्योंकि जिस तरह से अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम जो रखा है, रात और दिन का एक के बाद एक पलट कर आना, दिन आता है फिर रात आती है, और यही जो है दौर चलता रहता है, कई सालों से चल रहा है, चलना है, तो वही ज़िंदगी के अंदर तमाम परेशानियां उसको आनी है, कभी खुशी और कभी गम उसको आना है, यानी रोज़ का उसका ये मामला होना है, और इंसान इसको टाल नहीं सकता, वो दुनिया में उसको ऐसी ही ज़िंदगी को गुजारना है, इसका कोई उसके पास हल नहीं है, तो ये निज़ाम से कोई छुटकारा नहीं है। तो इंसान दिल का चैन और सुकून
इत्मीनान उसको चाहिए तो उसको इसी के बीच में तलाश करना पड़ेगा। इसको छोड़कर वो तलाश नहीं कर सकता कि मैं तकलीफ़ को छोड़ दूँ और मुझे सुकून मिल जाए और चैन आ जाए, तो नहीं मिलेगा। इसी के साथ में रहकर उसको सुकून तलाश करना पड़ेगा, नहीं तो इस सब को छोड़ के मुझे तकलीफ़ ना और सब मिल जाए तो ये नामुमकिन है। तो ये तो रहना ही है क्योंकि वो पैदा ही ऐसे हुआ, तकलीफ़ में पैदा किया गया है। तो आराम और ऐश ये अलग चीज़ें हैं। आराम जो उसको मिलता है घर पर, ऐश किया उसके पास पैसा है तो उसके पास बड़ा घर है, अच्छा बिस्तर है, नरम बिस्तर है, सब है, लेकिन ये क्या है, ये अलग चीज़ है। आराम एक अलग चीज़ है और सुकून एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन चीज़ों में सुकून नहीं है कि आदमी सोचे बड़ा घर आ गया, गाड़ी है मेरे पास में बंगला है, मेरे पास अच्छा बिस्तर है, तो ये सिर्फ आराम है उसके लिए, ये सुकून नहीं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आराम और सुकून। आराम की चीज़ें इंसान खरीद सकता है, आदमी आराम के लिए अच्छा बिस्तर खरीद सकता है, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का गद्दे पे लाकर सो सकता है, एसी लगा सकता है, कूलर लगा सकता है, तमाम चीज़ें वो कर सकता है, सब खरीद सकता है, लेकिन सुकून नहीं खरीद सकता। ये सब चीज़ों के साथ सुकून नहीं मिलेगा, सुकून बाज़ार में नहीं मिलता जो खरीद सके, तो सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुकून अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ही सुकून देता है, तो इंसान को सुकून मिलेगा, नहीं तो सुकून उसको नहीं मिलता है। तो अल्लाह का अता किया हुआ है जो सुकून है। और ये चीज़ें क्या आती है, ये चीज़ें आती हैं उसके आमाल के नतीजे से, उसके आमाल के नतीजे से इसको सुकून मिलता है। तो इंसान की ये नादानी के ये चीज़ें मिल जाए और वो सोचे कि मुझे सुकून मिल जाए तमाम चीज़ों के साथ में, तो ये उसकी नादानी है, उसकी कमअकली है। सुकून ये चीज़ें नहीं है, सुकून आमाल के नतीजे के अंदर है। आमाल जब तक नहीं करेगा उसका उसको सुकून नहीं आएगा, यानी आमाल के नतीजे के अंदर। मिसाल के तौर पर एक आदमी वो चाह रहा है कि मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊँ, और वो सारा सामान उसने घर पर लाकर रख दिया, वो मशीनरी लेकर आ गया, डंबल्स ले आया, सब मशीनरी उसने लाकर जितनी भी थी लाकर उसने रख दिया कि पूरा सिक्स पैक बना लूँगा मैं बॉडी। लेकिन क्या वो सामान लाकर रखने से वो उसकी बॉडी बन जाएगी? नहीं बनेगी। कब बनेगी वो? जब वो आमाल करेगा, उसके साथ अमल करेगा, उसके साथ प्रैक्टिस करेगा, तो तब उसके बाद में वो बनेगी। तो आमाल के नतीजे के अंदर उसका रिजल्ट मिलता है, तो सुकून भी आमाल के नतीजे में आता है, ऐसे नहीं मिलता। तो ये सारी दुनिया की चीज़ें इकट्ठी करने से सुकून उसके अंदर नहीं मिलता है। सुकून दिल के अमल से है, माल से नहीं है। और इसके बिना भी इंसान जी सकता है, बगैर माल के भी जी सकता है इंसान। ऐसा तो नहीं कि किसके पास माल नहीं है तो वो मर जाएगा, क्या किसी की जेब में एक रुपया नहीं था तो मर गया, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ें नहीं हैं। तो गाड़ी, घर, खाना पीना, ये सब जो बाहर की चीज़ें हैं इसको खरीदना पड़ता है, लेकिन आमाल के अंदर सुकून है। जब आमाल करता है तो उसके अंदर सुकून है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आमाल के नतीजे के अंदर उसको सुख मिलता है। पैसा कितना ही किसी के पास में हो लेकिन उसको सुकून नहीं मिलेगा, कितना ही पैसा हो। देखिए आप लोग इतने मल्टी मिलियनर हो जाते हैं, लेकिन आखिरी में क्या होता है, वो 40 साल 50 साल उसने पैसा कमाया, इतना कमा लिया, उसके इतना उसके पास पैसा हो जाता है कि लोग उसके लिए कहते हैं कि भाई इतना पैसा इसके पास कि पूरी ज़िंदगी भी अगर पैसों की गड्डियाँ बनाकर सीढ़ियाँ बनाकर चढ़े तो भी इसका पैसा ख़त्म ना हो, लेकिन सुकून नहीं मिलता। सुकून का मिलता है फिर वो उस पैसे को खर्च करता है, वो डोनेट करता है। अब देखिए जितने बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े डोनेट अनुदान करेंगे, डोनेट करेंगे तब उनको सुकून मिलता है। और इंसान जब इतना सब कुछ करने के बाद भी फिर क्या होता है, अगर इतनी यही बात थी तो बड़े बड़े डॉक्टर होते जिनकी फीस इतनी हाई होती है, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं जो लोगों के जहन का इलाज करते हैं, तो उनकी फीस एक गरीब आदमी तो दे भी नहीं सकता, इतनी उनकी फीसें होती हैं। तो वो इससे बड़े लोग उनके पास जाते हैं और उनसे फिर कहते हैं, तो फिर वो बताता है डॉक्टर उनको वही चीज़ें बताता है कि भाई तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है लेकिन इससे सुकून नहीं है, तुमको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तुमको सुकून मिलेगा। क्या करना पड़ेगा तुमको कि तुम आँख बंद करो, सोचो, बगीचे में जाकर बैठो, पार्क में बैठो, समुद्र के किनारे जाकर बैठो और सोचो कि लहरें आ रही है, उसको आवाज़ को महसूस करो, चिड़ियाँ को चहचहाना महसूस करो। और ये सारी चीज़ें जब वो सोचता है, बैठता है और प्रैक्टिस करता है उस चीज़ की, ध्यान लगाता है कि बस ये, तो उसके बाद उसको सुकून मिलने लग जाता है। तो पैसे से सुकून नहीं आ रहा, अब उसके बाद में जाकर उसको समझ में आता है कि यार ये तो गरीब आदमी भी कर सकता है, जिसके जेब में एक रुपया भी नहीं है तो वो भी कर सकता है, उसके लिए भी समुद्र फ्री है, बगीचे में जाकर बैठ सकता है, वो भी आँख बंद करके सोच सकता है। तब उसको मालूम पड़ता है कि वाकई पैसे में सुकून नहीं है, सुकून दूसरी जगह पर है, तो वहाँ तलाश उसको करना है। तो हमारे लिए ये है कि आमाल के अंदर सुकून है,
اور دین کے اندر دین ہے اس کی زندگی میں تو اس کے لیے سکون ہے، مسلمان کے لیے اس کی زندگی میں اگر دین ہے تو اس کے لیے سکون ہے، امیر غریب اس سے فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ ہم دیکھیں ان کی زندگی کتنی غربت والی زندگی تھی، کتنی غربتی تھی ان کی زندگی کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ کئی وقت ان پہ چولہا ہی نہیں جلتا تھا، تو اسی غربتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اس کے بعد بھی فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسان کوئی دنیا کے اندر خوش نہیں تھا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ ہر وقت مسکراتے رہنا، بلکہ مسکرانے کو تو کہہ دیا کہ مسکرا کر دیکھو یہ صدقہ ہے۔ تو اتنی سب ان کے پاس میں، تو ان کے پاس مال دولت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد بھی ان کی سیرت اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کو اس میں ملتا ہے کہ ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، کبھی کسی چیز کی شکایت نہیں تھی۔ شکایت کب کرتا ہے؟ جب اس کو سکون نہیں ملتا، تو ان کی کوئی شکایت ہم کو ملتی نہیں۔ تو ان کی سیرت پڑھے تو ہم کو نہیں ملتا، صحابہ کی سیرت پڑھے تو ہم کو اس میں نہیں ملتا ہے۔ اور اس کے اندر اتنے سارے، ایسا بھی نہیں کہ چلو کچھ نہیں تھا تو کچھ نہ کچھ تو آ ہی جاتا ہوگا اس لیے بیٹھے، تو ان کے پاس تمام طرح کی سازشیں ان کے خلاف چل رہی ہے۔ اس طرح جو انتقال، ان کے چچا کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے نے ان کی گود کے اندر موت آ گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ مشرکین ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، یہ تمام کی تمام پوری زندگی ایسی کہ ہم دیکھنے کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے راحت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی پوری ہم دیکھیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ راحت سے اور مسکرات کر رہے تھے، جس سے ملتے تو مسکرا کے ملتے تھے۔ تو اس لیے صحابہ کہتے کہ ان سے زیادہ کوئی خوش نہیں تھا، کوئی ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ سب اتنا سارا کر کے اس کے بعد میں وہ ساری، انسان تو کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ تمام پہلے سب چیزیں کرے گا، اس کے بعد میں جا کر وہ حج کرتا ہے، کہاں جا کر اس کو ٹینشن فری ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی ٹینشن تو اس کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ سب کر لیا، پیسہ اس نے کما لیا، بچوں کو پڑھا دیا، ایک بچے وہاں سیٹ ہو گیا، ایک امریکہ کے اندر، ایک آسٹریلیا کے اندر ہے، بچی کی شادی کر دی، سب ہو گیا، اس کے بعد جاتا ہے کہاں پر؟ حج کرنے کے لیے۔ اب چلو کوئی میرے پر ذمہ داری نہیں بچی، اور پھر جا کر وہ حج کرتا ہے، پورا وہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ساری سب کچھ یہ کر رہے ہیں، سب کچھ ان کی زندگی میں تمام معاملات ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھے تو آخری تک، آخری مرحلے تک جو ہے وہ لڑتے رہے، لڑتے رہے، وہاں تک کوشش وہ کرتے رہے۔ پھر بھی اس کے باوجود لوگوں کے مسائل، لوگوں کا آنا جانا، ان کے پاس مسائل تھے، پھر صحابہ، پھر بھی صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی مسکراتے رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسکرا، اتنی تکلیف اور اتنا بیزی ہونے کے بعد میں بھی، یہ تمام ہونے کے بعد میں بھی ہم دیکھیں کہ اس کے بعد بھی بچے ان سے جو ہے دوڑ کر ان کے قریب آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس میں ٹینشن ہو تو گھر پر آدمی جائے، اس دن کو ٹینشن ہو، کچھ نقصان ہو گیا، کام دھندہ چل نہیں رہا ہے، تو اگر وہ گھر جائے تو اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ بھائی ٹینشن ہے، تو بچے تو پہلے ہی کہہ دیتے، تو بچے پہلے ہی چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ابھی ٹینشن چل رہی ہے، والد صاحب کا کام دھندہ اچھا نہیں چل رہا، تکلیف میں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کے تمام مسائل کے بعد بھی بچے دوڑ کر، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، دوڑ کر ان کے پاس چلے جاتے، بیویاں ان کے پاس ان کو چھوڑ کے نہیں جا رہی ہیں، ایک ایک وقت کے اندر ان کے پاس میں 8-9 بیویاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہہ دیا پہلے ہی کہ اگر رہنا ہے تو میرے ساتھ میں اسے ہی رہنا پڑے گا، نہیں تو تمہاری زندگی تم دیکھ لو، چھوڑ کے جا سکتی ہو۔ لیکن اس کے بعد کسی نے بھی نہیں چھوڑا، تو بھی وہ ان کے ساتھ میں رہ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ سارے ہونے کے بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، نہ مال ہے، نہ گھر ہے، نہ سواری ہے، اس کے بعد بھی ان کے پاس میں یہ سارے مسائل ہونے کے بعد، پھر اس کے بعد میں وہ بھی ہم کو ملتا ہے سیرتوں کے اندر کہ وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ اور ہم انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے مسائل اس کے پاس میں حل ہو جائیں، اس کے کہ اس کی تکلیف پریشانیاں کم ہو جائیں، کام دھندا سیٹ ہو جائے، گھر آ جائے، گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، سب ہو جائے، اس کے بعد میں خوش رہوں گا۔ تو یہ ہونا ہی نہیں ہے، اس کو یہ ملنا ہی نہیں کہ اس وہ اپنے ایک کو سیٹ کر لے کہ یہاں تک پہنچ جاؤں گا تب جا کر میں خوش ہوں گا۔ مر جائے گا لیکن اس تک اس کو وہ سکون نہیں مل پائے گا، نہیں آ پائے گا اس کی زندگی کے اندر، کیونکہ کمانے کا اور دولت کا، دولت کی چاہت کا کوئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو حریص ایسے ہیں، دو حریص ایسے ہیں کہ جن کی انتہا نہیں ہے۔ ایک علم حاصل کرنے والا کہ وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے، اور وہ اتنا حریص ہوتا ہے کہ علم حاصل کرتے کرتے موت تک علم حاصل کرتا ہے، جس کی کئی مثال ہمارے سلف میں دیکھیں، امام ابن حنبل، اتنا علم حاصل انہوں نے کیا اور آخری تک علم کو حاصل کرتے رہے، امام مسلم، امام بخاری رحمہ اللہ، یہ سب علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے، اسی طرح ایک دولت کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ انسان جب مال کمانے نکلتا ہے تو اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی، ایک ٹارگیٹ وہ فکس کر لیتا ہے، اتنا ہونا، اتنا ہو گیا، پھر بھی نہیں رکتا، اس کا ڈبل ٹریبل چوبل کرتا رہتا ہے۔ تو دو حریص ایسے ہیں، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب آ جائے گا تو پھر میری مصیبتیں ختم ہو جائے گی، تو یہ اس کی مصیبتیں اس سے ختم نہیں ہوتی ہیں، اور بلکہ یہ ہے کہ
इतनी उम्र तक वो ले गया इसको खींच कर वहाँ तक हमारे, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ में तकलीफ भी बढ़ जाती है। जैसे उसकी उम्र बढ़ती तकलीफ भी बढ़ेगी, उसके बाद उम्र बढ़ेगी तो उसको आंखों से दिखना कम हो जाएगा, कान से उसको सुनना कम हो जाएगा, इसी तरह जो है बुढ़ापा उसका आ जाएगा, हाथ पैर का काम करना उसका बंद करेंगे, उसको कांपने लगेंगे। और बुढ़ापा खुद एक बीमारी है, अगर कोई इसको बीमारी भी नहीं है तो बीमारी तो है, बुढ़ापा खुद एक बीमारी होती है, तो ये उसके पास में कमजोरी उसके पास हो जाती है। तो इन सब के बावजूद भी वो खुश नहीं रह सकता, तमाम चीज़ों को वो कर ले तो वो रहेगा कब खुश, उसको सुकून कब आएगा उसके दिल के अंदर कब रहेगा, कि उसकी निगाह आमाल पर हो जिससे उसको सुकून मिले, तब जाकर वो खुश रह सकता है, इन चीज़ों में खुश नहीं रह सकता। तो आमाल के अंदर कोई खर्चा नहीं, और इसके अंदर कोई भी इसको कर सकता है, आमाल के अंदर कोई खर्चा नहीं, आमाल वो कर सकता है उससे खुश रह सकता है। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वला तहिनु वला अहजनु व अंतुम आलूमा इन कुंतुम मोमिनीन, कि हिम्मत मत हारो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे, शर्त क्या है कि तुम ईमान वाले हो। तो हिम्मत मत हारो, कितनी भी मुसीबतें तकलीफ जो भी तुम्हारे सामने आ जाए तो हिम्मत मत हारो, तुम ही गालिब रहने वाले हो। तो खैर की शुरुआत कहाँ से होती है, ईमान से होती है, खैर की शुरुआत ईमान से। तो चैन सुकून ये गलबा ये ईमान से। तो ज़िंदगी के दो मरहल हैं, ज़िंदगी के दो मरहल हैं कि बीते वक्त का नुकसान, उसकी नाकामयाबी जो उसने ज़िंदगी के अंदर जो चला गया उसकी नाकामयाबी, और उसके अंदर दिल में उसके गम उससे बैठ जाता है, तिजारत उसकी डूब गई तो उसका गम उसको बैठ जाता है, और या कोई करीबी उसका मर गया जिसको वो चाहता था तो उससे उसको ये इसके अंदर बैठ जाती है। तो पिछली बातें अजबाब से अजबाब की कमी, ये सब आने वाले वक्त को हौसला उसका तोड़ देती है। हम देखे कई लोग जो है पहले बहुत कुछ किया लेकिन उनका हौसला टूट जाता है, तिजारत डूब गई, उसके जो है बच्चे नाफरमान निकल गए, तो उसके बाद में क्या होता है कि अब नहीं कर सकता, कि भाई कुछ करो, अब नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ। अरे फिर से कर सकते हो, अभी तो तुम्हारे पास ज़िंदगी, ये कर सकते हो, नहीं अब थक गया, अब नहीं कर सकता, क्योंकि पिछली सारी तकलीफ़ और आमाल उसको तोड़ कर रख देती है, तो आगे नहीं बढ़ता उसके अंदर। लेकिन अल्लाह ने यह कहा क्या कि हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, तुम ही गालिब रहने वाले हो। तो यह है कि अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं, अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं। तो हमारे पास में कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में फौज नहीं है, हमारे पास इत्तिहाद भी नहीं है कि सारे के सारे मुसलमान एक हो जाएं, वो भी हमारे पास इत्तिहाद भी नहीं, और पैसा नहीं, एजुकेशन नहीं। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ने क्या कहा कि तुम ही गालिब रहने वाले हो, तुम्हें ही गालिब रहना है। इस सब के बावजूद भी शर्त क्या है कि तुम ईमान वाले हो, तो हिम्मत ना हारो तो गालिब तुम रहने वाले हो, तो तब जाके गालिब हम रहने। और दिल में ईमान होगा तो यहाँ पर फिर ईमान का गलबा होगा, और फिर दुनिया के अंदर भी अल्लाह की हुकूमत होगी, लेकिन उसके अंदर इंसानों के अंदर ईमान उस होना चाहिए। और जैसे अल्लाह के रसूल सल्लम ने पहले क्या किया, दिल के अंदर मजबूत किया, पहले ये नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने काबे में बुत तो कब से थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम ने क्या पहले से शुरू से बुत निकाल दिया वहाँ पर जाकर, कि चलो ये सब बुत निकाल के फेंको, पहले लोगों के दिलों में जो बुत थे उसको निकाला, उसके बाद फिर काबे के बुतों को निकाला। तो ये है कि पहले खुशी कहाँ है, खुशी कहाँ होती है, ईमान कहाँ होता है, दिल के अंदर होता है। तो सुकून कहाँ होगा, दिल के अंदर होगा। तो यहाँ अगर बीमारी है तो फिर उसको सुकून कैसे मिल सकता है, तो सबसे पहले वो ईमान जो है उसका दिल मजबूत करे, उसके अंदर ईमान को दाखिल करें। तो बाहर कितनी चीज़ें जमा ले, तमाम चीज़ें जमा ले, लेकिन वो खुश नहीं रह सकता, उस खुश नहीं, उसको आराम नहीं मिल सकता, सुकून नहीं मिल सकता। कुछ चीज़ें जो सुकून उसको दिला सकती है, कुछ चीज़ें सुकून दिला सकती है, जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कोई नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, शर्त है कि वो ईमान वाला हो तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी अता करेंगे। यानी वो ईमान वाला होगा तो चाहे मर्द में से चाहे औरत में से, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी अता करेंगे। तो असल क्या है, सबसे पहले ईमान उसका होना चाहिए, सुकून के लिए, सुकून कल्ब के लिए उसके लिए उसके अंदर ईमान होना चाहिए। तो सबसे पहली हम चीज़, इसमें कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि किस चीज़ से हम सुकून को पा सकते हैं, किस चीज़ से हमको सुकून मिल सकता है। तो चंद चीज़ें हैं जिसके को हम देखें और उसको प्रैक्टिस करें, और अगर हमारी ज़िंदगी में लाएँ तो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमको सुकून मिल सकता है और दिल के अंदर हमको सुकून आ सकता है। तो सबसे पहले कि ईमान और अमल की बुनियाद पर ये चीज़ें हमारे पास में आ सकती, दिल का सुकून आ सकता है। किससे आ सकता है, ईमान और अमल की बुनियाद पर। ये दो चीज़ें हैं, यानी कि अच्छी ज़िंदगी और नेक आमाल, अच्छी ज़िंदगी और नेक आमाल। तो ईमान जो है, ईमान आता है तो क्या होता है, खैर आता है। ज़िंदगी में ईमान नहीं है तो सुकून नहीं है, ईमान के बगैर सुकून नहीं मिल सकता है। ईमान है तो उसके पास सुकून है।
इंसान अगर बुरा काम करता है तो उसको खुद महसूस होता है, एक आदमी अच्छा काम करता है तो उसको खुद महसूस होता है, एक आदमी बुरा काम करता है तो उसको खुद महसूस होता है कि यार ये बुरा है, वो बुरा है। और एहसास जुर्म उसके अंदर जब होता है, बुरे काम करता है तो कि ये काम मैंने बुरा किया, ये मैं दूसरे के लिए बुरा सोच रहा हूँ, ये इससे दूसरे को तकलीफ होगी, जब ये उसके दिल में खुद को होगा कि काम बुरा है तो उसके पास उसको दिल के अंदर सुकून नहीं आएगा, क्योंकि सुकून चला जाएगा। वो तो जानता है ना, लोग जाहिरी तौर पर जानते हैं कि अच्छा किया इसलिए, लेकिन उसके दिल में मालूम है मैंने बुरा किया। अब उसके अंदर बुराई आ गई तो उसको सुकून नहीं मिलेगा, तो उसको सुकून नहीं मिल सकता है क्योंकि वो खुद जानता है। तो सुकून कैसे मिल सकता है कि ईमान उसके अंदर हो, अमल हो उसकी ज़िंदगी के अंदर हो, बुरा काम ना करता हो तो उसके दिल को सुकून मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अल्लाह की याद के अंदर सुकून है, अल्लाह की याद के अंदर सुकून है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जो लोग ईमान लाते हैं और अल्लाह को अल्लाह की याद से उनके दिल को इत्मीनान नसीब होता है, यानी उनके दिल को इत्मीनान मिलता है, तो अल्लाह की याद के अंदर दिल में सुकून है। तो अल्लाह को भूल जाए तो सुकून उसका ख़राब हो जाएगा, यानी अल्लाह को उसको याद रखना पड़ेगा तो उसके दिल को सुकून मिलेगा, नहीं तो फिर उसका सुकून ख़राब हो जाएगा। तो इंसान मुसीबत में फंस गया तो अल्लाह को याद करे तो उसको इत्मीनान मिलेगा कि अल्लाह है, अगर मुसीबत मेरे पास में आई तो अल्लाह उसको हल करने वाला है, अल्लाह है तो उसको इत्मीनान मिलेगा। लेकिन अपने हिसाब से मुसीबत को हल करने जाएगा तो उसको बेसुकूनी उसके अंदर आ जाएगी। यह मिसाल के तौर पर कोई आदमी बड़ा अहदेदार है, बड़ा है, और वो इतना बड़ा आदमी है मालूम माशरे का बड़ा है, इस पूरे शहर का बड़ा है, ये स्टेट का पूरा बड़ा है, वो हमसे कह दे कि तुम्हारे तुम काम करो ये और तुम्हारे तमाम मसाइल मैं देख लूँगा, तो उसके बाद आदमी अगर बड़ा आदमी कह दे तो उसके आदमी क्या होता है कि आदमी बेफिक्र हो जाता है, अरे करो कुछ भी, उसका हाथ है मेरे ऊपर, उसने कह दिया कि मैं देख लूँगा, तो आदमी फिर क्या होता है, दिलेरी से करता है उस काम को, करने लग जाता है, क्योंकि उसके पास में क्या होता है, सुकून मिल जाता है कि मेरे पास में कोई है, मेरे ऊपर हाथ है किसी का, उसको सुकून मिलता है तो उसका सुकून बढ़ जाएगा। लेकिन कोई अगर इस जगह पर यह कहे कि उससे सुकून उसको मिल रहा है, वो काम करने भी अमल की तरफ चला गया, उसको को बिना टेंशन वो करता है, लेकिन अगर वो इसके बगैर ये कहे कि हाँ अल्लाह है, और अपने दिल के अंदर ईमान उसका इतना पुख्ता हो जाए कि हाँ अल्लाह है, ये मैं जो काम कर रहा हूँ तो मेरे पास सब है और मेरे पास अल्लाह है, मेरे पास में अल्लाह है, तो फिर उसको सुकून मिल जाएगा, वो काम कर गुजरेगा, कोई भी अमल कर गुजरेगा, क्योंकि उसके पास में अगर उसका यकीन और ईमान उसका बढ़ा हुआ हो, और तो उसके पास सब हो एक इंसान के पास, लेकिन अल्लाह नहीं है तो कुछ भी नहीं है बंदे के पास, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन अल्लाह है तो उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है, ये उसके दिल में होना चाहिए, क्योंकि वो उसको ये मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो अल्लाह का तारुफ होना चाहिए, असल तो आदमी कहता है कि हाँ अल्लाह साथ है हमारे, तो जुबानी कहता है उसको, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि अल्लाह कौन है, तो उसका इल्म हासिल करे, तो उसको मालूम पड़ेगा कि मैं जो कह रहा हूँ कि मेरे साथ अल्लाह है, तो वो मेरे साथ अल्लाह कौन है जो वादा खिलाफ़ी नहीं करता, कभी बंदे को बुरा बंदे का बुरा नहीं चाहता, और कभी वो जो है वो देने वाला है, उसके अंदर वो सखी है, वो देने वाला है और वो अता करने वाला है, वो अता करता है लेकिन जताता भी नहीं है। और इंसान अल्लाह के जिक्र उसको याद करता रहेगा और उसको ये एहसास होगा कि अल्लाह मेरे साथ है और ये उसकी सिफात है, तो उसके बाद में फिर उसको सुकून मिल जाएगा, और उसको कि अब कोई नहीं सुनना है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुनता है, ये उसके अंदर अगर दिल के अंदर हो तो उसके अंदर दिल को सुकून आ जाएगा। तो सुकून दिल के लिए अल्लाह की याद जरूरी है कि सुकून दिल के लिए, तो हर हाल में वो अल्लाह को याद करे तो उसके अंदर क्या होगा, यकीन पैदा होगा कि ये जो मुसीबत आई है, तकलीफ आई है, अल्लाह ने दी है और मुझे दी है, तो उसके अंदर खैर होगा इसलिए मुझे दी है, ये अल्लाह ने ही दी है। पहले तो यकीन होना कि मुसीबत जो भी आती है अल्लाह ने दी, और अल्लाह ने दी तो मेरे खैर के लिए ही दी है, अगर इसमें कुछ खैर होगा तब ये मुसीबत मुझ पर आएगी, तो अल्लाह ने मुझे दी, तो ये उसके अंदर होगा। वो उसके बाद वो सोचे ना कि फला तंजीम हमारे लिए काम कर रही है, हमारे खिलाफ ये काम करती है, ये हमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अल्लाह उसके लिए कि अल्लाह ये मुसीबत ये तंजीम खड़ी करी अल्लाह ने करी है, इसमें हमारे लिए खैर होगा, क्यों, या तो हम सोए हुए इसलिए हमको जगाने के लिए अल्लाह ने किया, तो कुछ तो खैर होगा, तो अल्लाह ने हमारे खिलाफ उनको खड़ा किया, और वो अल्लाह को याद करता रहेगा, सुकून मिलेगा कि अल्लाह ही तो गाली बोलने वाला है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, एक इंसान दूसरे इंसान को मार सकता है, मौत के अलावा क्या है, और मौत आज नहीं तो कल तो मरना ही है, परसों तो मरना ही है, तो ये चीज़ उसके अंदर होगी, अल्लाह की याद होगी तो उसको फिर सुकून मिलेगा, नहीं तो इन चीज़ों के अंदर वो अपने आप को मुफ्तिला करेगा तो फिर वो उसकी ज़िंदगी बेसुकूनी के अंदर हो जाएगी। तो अल्लाह पर यकीन करे कि वो बेहतर करने वाला है, कि चाहे जैसे हालात उसके पास आए, जो आदमी चाहे कैसे उसको बोले, लेकिन वो अपने आप को एक है वो सोचे दिल में कि अल्लाह की याद बड़ी चीज़ है और वही सब करने वाला है, तो फिर उसके दिल को सुकून मिलेगा, तो दिल को सुकून आएगा, अल्लाह को बुला देगा तो उसके अंदर बेसुकूनी आ जाएगी, फिर उसके अंदर सुकून नहीं आएगा।
तो कैसे याद करें कि दुआ करें अल्लाह से, ये याद करना है। जिक्र करें सुबह शाम के अस्कार, हर चीज़ के अस्कार जो अल्लाह के रसूल सल्लम को बताएं कि बाहर जाने की अस्कार, ये हर जगह, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हम सोचें कि हमारी हिफाजत की दुआ, ये अल्लाह का जिक्र है और ये अल्लाह की याद है। तो इसको हमको तर्जुमे के साथ हमें याद होना चाहिए, ये नहीं कि हम जो है बाहर निकले और हमने बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया, अब हमने तो उसको ज़ुबानी पढ़ लिया, हमको उसका माना ही मालूम नहीं, तो फिर हमको सुकून कैसे मिलेगा। तो माना के साथ में याद होना चाहिए। जब बाहर निकलता है, मुसीबत में जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है, अब घर से बाहर जाता है बड़ा आदमी उससे जाता है, तैयारी के साथ भी जाता है, क्या पता लौटूँ कि नहीं लौटूँ, तो निकल रहा है बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, कि मैं अल्लाह के नाम से उस पर भरोसा करके घर से निकला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि उसके सिवा कोई नहीं है और मुसीबत से बचाने की ताकत और कुव्वत सब उसी के पास में है। तो जब ये यकीन करके वो निकलेगा तो सुकून के साथ में निकलेगा, जहाँ रहेगा सुकून के साथ में रहेगा। तो ये जिक्र अस्कार यानी खाने पीने के जो जिक्र बताएं, सफ़र के जिक्र बताएं, तो अल्लाह के रसूल हर 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 लम्हे के अंदर हमारे लिए अल्लाह के रसूल वसल्लम ने खीर की चीज़ें हमको बताई, अल्लाह को याद करने के तरीके हमको बताए कि हर चीज़ में हर वक्त हम अल्लाह को याद करें, उससे जुड़े रहें। सलाम करता है तो सलाम का माना उसको मालूम होना चाहिए, ये नहीं कि वो जुमला उसका हो गया मोई मिला सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, वो निकलता जा रहा है करता जा रहा है, उसको मालूम ही नहीं, लेकिन उसको माने को जाने उसके बारे में कि जो सलाम किया किसी ने उसको, या किसी को वो सलाम करता है कि अल्लाह सलामती करने वाला है, अल्लाह सलाम है और हर चीज़ हर आदमी पर कि तुम पर सलामती हो, वो दे रहा है सामने वाला उसको सलामती दे रहा है कि वो सलामती देने वाला है, वो सलाम है। तो सारी चीज़ें सलामत उसने रख रखी है, वो सोचे पहले कि वो सलाम सिर्फ ये नहीं कि मुझको सलामती दे रहा है, हर चीज़ पे उसने सलामती रख रखी है, चांद को उसने सलामत रख रखा, सूरज को सलामत रख रखा, ज़मीन को, सैयारों को, हवाओं को, पानी को सलामत रख रखा, नहीं तो एक पानी एक दरिया में से अगर निकल जाए तो पूरा दुनिया को डुबा सकता है। और होता है कई बार जब आता है एक मौज आती है तो सुनामी उसको कहते हैं, बड़े बड़े पूरे पूरे शहर को अंदर लेके चली जाती है। तो अल्लाह ने सलामती रख रखी है उस सब चीज़ों के ऊपर, आंधी आती हवा ने, हवा जो है अल्लाह ने कंट्रोल में रख रखी है, अगर ये हवा बिगड़ जाए अल्लाह इसको थोड़ी सी आज़ादी दे दे तो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों क्यों नहीं सब ऐसे उड़ने लग जाती है जैसे कोई तिनके हों, और हमने देखा है। तो ये सब सलामती के अंदर दाखिल है, जब वो सलाम करता उसको मालूम होना चाहिए कि जिसने सलाम किया तो इस सब के साथ मेरी सलामती। तो ये जब उसके दिल ये सब चीज़ें उसको मालूम होगी, अल्लाह के जिक्र उसको याद उसके माने के साथ रहेगा, तो उसको फिर उसको उसके दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन अल्लाह को जब भूल जाएगा तो फिर इसको बेसकूनी आ जाएगी। और क्या है इसके अंदर के तवक्कुल, अच्छा गुमान, तवक्कुल अच्छा गुमान, भरोसा अल्लाह पर रखना कि ज़िंदगी में सब कुछ है, सब खो गया, सब उसका डूब गया, तो वो तवक्कल अल्लाह पर रखे, ये नहीं कि उसके साथ डूब गया और उसके अंदर बैठ जाए कि मेरी पुलिस अफसर से पूरी सेटिंग थी, इसका तबादला हो गया, अब तो मेरे पास में कोई बचा ही नहीं, सब चीज़ चला गया, अब कोई सेटिंग नहीं। इतना चीज़ों पर उसने रखा, किसी पर रख रहा है कि भाई ये मेरा जो मेरे ताल्लुकात सीएम से थे, मेरे ताल्लुकात पीएम से थे, पार्टी बदल गई, चुनाव हुए, दूसरी सरकार आ गई, अब मेरे पास में तो कुछ भी नहीं बचा, सब चला गया, तो ये नहीं। एतमाद किस पर करना है, एतमाद चीज़ों पर नहीं रखना है, एतमाद अल्लाह पर रखना है, तवक्कल उस पर रखना है, तो उसको सुकून मिलेगा। तो अल्लाह मत पर अल्लाह पर जो है एतमाद रखे। एक आदमी पर एतमाद, उसने तमाम सेटिंग कर रखी ना, तो अब उसके अंदर ना तो पार्टी बदली, ना उसके अंदर किसी का तबादला हुआ, लेकिन उसके बाद वो आदमी मर गया, तब उसका एतमाद ही गलत था, बोले अब ना तो पार्टी बदली, ना कुछ हुआ, ना इसका तबादला हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ये खुद ही मर गया, अब मेरा काम कौन करेगा। तो एतमाद किस पर करे, अल्लाह को करे, क्यों, क्योंकि वो कौन है कि वो अल्लाह है, वो अल्लाह है कौन है, अलहयुल कयूम है, वो जिंदा रहने वाला सदा से जिंदा है, उसको मौत नहीं है, वो सबको थामे हुए वो जिंदगी दी हुई, तो फिर उसको सुकून मिलेगा, फिर उसको सुकून मिलेगा, क्योंकि उसको जब ये मालूम होगा कि वो अल्लाह है, वो वादा खिलाफी नहीं करता, वो जो कहता है वो करता है, वो धोखा नहीं देता, और उसके मुकाबले में कोई नहीं। तो दुनिया के अंदर कितना ही कोई ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना, अपने तमाम मसाइल उसके ऊपर सौंप रखे कि मेरी ये आदमी है तो अपने ज़िंदगी में सुकून है, लेकिन मौत तो है ना उसको, लेकिन तो सुकून हम किस पे भरोसा रखें, किस पर तवक्कुल रखें, जिसको मौत ही नहीं आना उस पर रखेंगे तो फिर हमको दिल के अंदर सुकून आएगा। नहीं तो सब आदमी सब कुछ कर ले, लेकिन मौत को तो कोई हरा नहीं सकता, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है, उसको तो आना ही है, तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो मोहताज किसका बनना है, उस पर अल्लाह का मोहताज बने, वो किसी का मोहताज ना बने, क्योंकि वो खिलाता है, वो खाता नहीं है, वो देता है, वो लेता नहीं है, वो अता करता है, वो किसी से लेता नहीं है, तो इस सब उसके बाद में, तो खुद के लिए वो नहीं करता, सब इंसानों के लिए उसने तमाम चीज़ों को करा है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान। तवक्कल उस पर करना है कि जो भूलता नहीं है, जो बड़े इल्म वाला है, और अगर तुमको मालूम नहीं उसके बारे में, जानते नहीं, तो किससे पूछो, तुम इल्म वाले से पूछो कि अल्लाह के बारे में मुझे बताओ, अल्लाह कौन है,
اللہ کے صفاتوں کا علم حاصل کرے، تو یہ سب چیزیں اس کے دل کو سکون دے گی. اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں اب ہم کو اس کے جاننے کی ہم کو ضرورت ہے، تو اس پر بھروسہ کرنا ہے. کیونکہ آدمی کا سب بہ گیا، سیلاب آیا سب بہ گیا، پیسہ سب اس کا لٹ گیا، گھر پیسہ کپڑے سب چیزیں، اب کیا ہوگا؟ اب دنیا میں کیا سب لے کر آیا تھا وہ تو یہ تو سوچے، اب اس کے اندر وہ آدمی آتم ہتیا کر لیتا ہے، کچھ نہیں بچا، مر گیا، ٹینشن سب چلا گیا، اس کے پاس اٹیک آ گیا. کیوں سب لے کر آیا تھا دنیا کے اندر؟ آیا تھا کہ ساتھ میں لایا تھا؟ جب بعد دنیا میں آیا تھا تو ننگا آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، کہ اے ٹی ایم کارڈ لے کر آیا ہو، کہ پاس بک تھی بینک کے اس کے پاس میں، کہ ایک روپے لے کے آیا، انہوں نے جا کر کیا بھائی بھوک لگی کچھ کھلا دو، دودھ دے دو پانچ روپے کا، کچھ نہیں تھا، خالی آیا ہو، ایسے ہی آیا، کچھ لے کر نہیں آیا. تو جو کچھ اس نے لیا یہیں سے لیا ہے، اور لے کے جانا بھی نہیں ہے، واپس یہیں پر رہنا ہے اس کو، سب یہ بھی چھوڑ کر جانا ہے. تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ میں دنیا میں ایسا ہی آیا تھا، اور ماں کے پیٹ میں تھا، اس ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کس نے کھلایا اس کو؟ کہ وہاں پر اس کی ماں اس کو کھانا دے رہی تھی، کہ ڈاکٹر اس کو چمچ سے کھلا رہا تھا، کچھ نہیں، اللہ نے کھلایا پلایا اندر اس کو. جب باہر آیا تو اس کی ماں کے سینوں میں دودھ کس نے بھرا؟ اللہ نے بھرا. تو یہ اس کو سوچنا چاہیے، تو وہ اللہ کرنے والا ہے، تو اس کو پالتا کون ہے؟ تو جب ہمارے تو اس کو یہ چاہیے کہ ہمارے پاس میں اللہ ہے تو ہمارے پاس میں سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جب اس کا اعتماد اور اتنا یقین اس کا اللہ پر ہوگا تو اس کے دل کو سکون ملے گا. تو اللہ نہ ہو تو پھر سب اس کا کوئی کام نہیں بنے، اس کو یہ سوچنا اس کو چاہیے. اور جیسے حضرت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار کے اندر چھپ گئے، تو جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور ابو بکر صدیق جگے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ بالکل دشمن آ گیا، اور ان کو معلوم تھا اب یہ نیچے دیکھ لے گا تو ہم کو پکڑ لے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم گر گئے، ہم تو پھنس گئے، وہ تو آ گئے، اگر یہ ذرا سا نیچے دیکھ لے پیروں کی طرح تو ہم تو آج ختم ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا ساتھی اللہ ہے؟ اور جب ایسا اعتماد کیا تو کیا ہوا؟ نہ ان کو دکھا بھی نہیں، بالکل پاس میں تھے لیکن نظر ہی نہیں آیا ہم. تو یہ اللہ پر یقین اس کا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ جب سامنے پورا اتنا بڑا دریا، پوری قوم ان کے ساتھ میں، لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اب یا تو پیچھے سے فوج آ کے مار دے گی، سامنے ڈوب کر مرنا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ ہے. اور اللہ سے جب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اشارہ کیا کہ لاٹھی مارو، راستہ بنا دیا. تو اس پر یقین ہوگا کہ وہی ہے دینے والا، وہی ہے. اس پر اگر توکل بھروسہ اس پر ہوگا تو پھر اسباب وہ سارے پیدا کر دے گا. لیکن تمام اسباب ہو اور اس پر یقین نہ ہو تو پھر اسباب کام آنے والے نہیں. تو اس پر ایسا یقین ہونا چاہیے. تو انسان کیا ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور توکل چھوڑ دیتا ہے. تو توکل اس کو کرنا ہے اور صبر اس کے ساتھ رکھنا ہے، تو پھر اس کے ساتھ میں یہ چیزیں اس کو دل کا سکون ملے گا. اس کے علاوہ جو ہے اور کیا چیزیں جو دل کو سکون دیتی ہے؟ تو یہ چیزیں کہ تقدیر پر ایمان، یہ دل کو سکون دے گا. تقدیر پر ایمان یہ دل کو سکون دیتا ہے. تقدیر کیا ہے؟ کہ جو لکھا ہے وہ ہونا ہے، وہ ہوگا ہی. انسان آنے والے وقت سے پریشان رہتا ہے کہ نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی، اتنا پڑھ تو رہا ہوں میں، ملے گی کہ نہیں ملے گی نوکری، تجارت میری چلے گی کہ چلے گی کہ نہیں، میں ڈالنے کی کوشش تو کر رہا ہوں، اس میں لاکھوں روپے لگا رہا ہوں، اتنی مہنگی دکان لے لی، اتنا سامان میں نے بھر دیا، ابھی چلے گی کہ نہیں چلے گی. وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو ٹینشن. اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، میرا رشتہ ہوگا کہ نہیں ملے گا، کوئی لڑکی مجھے دے گا کہ نہیں دے گا، وہ پریشان ہے، ہر چیز سے وہ پریشان ہے. آگے آنے والے وقت کے لیے وہ پریشان رہتا ہے کہ آگے ہونا کیا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہی نہیں، کوئی جان بھی نہیں سکتا آگے ہونا کیا. لیکن وہ اس سے پریشان اپنے اس وقت کا جو ہے ابھی کا حال کا وہ سکون کھو دیتا ہے آنے والے وقت سے پریشان ہو کر. تو یہ کیا ہے؟ دل کو اس کو سکون نہیں ملتا. بیمار ہو گیا تو وہ میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، کہیں اسی بیماری کے اندر مر تو نہیں جاؤں گا. پھر وہ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اس کو بخار آیا تھا، ایسا کیسے بخار تھا، دیکھو وہ مر گیا، کہیں میں تو نہیں مر جاؤں گا. تو یہ تقدیر پر ایمان نہیں بھائی. تقدیر جتنی لکھی ہے اتنی اس کو نہیں، تو ایک چھینک میں آدمی مر جاتا ہے. وہ کوئی آدمی بیمار پڑا ہے، 20 سال سے پڑا ہے بستر پر، تو زندہ رہتا ہے. تو یہ تقدیر پر ایمان اس کا پختہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے دل کو سکون ملے گا. تو ان سب میں نہیں، تو اس سب کے اندر وہ پڑا رہے گا، جو ہو گیا جو آنے والا اس میں پڑا رہے گا، تو اس کا جو ہے آنے والا سکون اس کا ختم ہو جائے گا، اس کا سکون اس کا چلا جائے گا. تو کل کی وجہ سے وہ آج کو خراب نہ کرے، حال کے اندر کہ حال میں جیے کہ ابھی کیا ہے، کل ہونا ہو، ابھی تو کھا لوں، ابھی جو ہے اس پہ کروں، کل کی کیوں فکر کرنا، مہینے بھر بعد کی کیوں فکر کرنا. تو حال میں اس کو جینا ہے، اس کو حال کے اندر جینا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ تقدیر پر یقین رکھے،
कि भाई बीमारी है उसको, तो दवाई उसको ठीक, अब वो दवाई खा भी रहा है, इससे ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। या कोई आदमी ऐसे भी होते हैं, उनको अगर अमीर होता उसको डॉक्टर सस्ती दवाई दे दे, कि डॉक्टर की फीस तो 500 थी, दवाई दी उसने 100 रुपये की, इतनी सस्ती दवाई ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो दवाई से ठीक नहीं होता है। तो इन चीज़ों के अंदर, इस सब के बाद भी वो करेगा, सुकून नहीं मिलेगा, दवाई खा लेगा तो भी सुकून नहीं आएगा उसके पास में। तो पूरी कोशिश उसने की, लेकिन तकदीर यकीन अल्लाह पर रखना है। दाना है बीमार हो गया तो ये नहीं कि वो यकीन रखकर बैठ जाए, तो ऐसा भी यकीन नहीं रखना, ये भी जो है खिलाफ है शरीयत की, कि आदमी इतना यकीन कि बीमार हो गया अल्लाह ही ठीक करेगा। हालांकि सहाबा ऐसे कई थे भी, लेकिन ये नहीं, अल्लाह के रसूल उनको इलाज करवाया, सुन्नत हमको यही मिलती है। तो ये अस्बाब हमको वो करना है, लेकिन एतमाद सिर्फ अल्लाह पर रखना है, वो तकदीर पर हमको रखना है, तकदीर में जो लिखा वो होना है। नहीं तो आदमी इसकी पूरी कोशिश करे, यकीन तकदीर पर रखे, नहीं कि बार बार इसे गाड़ी चला रहा गिर गया तो कभी गाड़ी चला पाएगा वो, या बैठे बैठे सोच रहा है छत गिर गई मेरे ऊपर तो मैं फिसल गया तो इन चीज़ों के सोच सोच कर क्या होता, अपने आपका सुकून बर्बाद कर लेता। और आप देखिए ये बीमारियाँ हैं, और कई लोग इसके अंदर मुफ्तला हैं। आज किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, ऊंचाई से डर, सीढ़ी चढ़ने पर डर, उतरने पर डर, वो घर में सोता रखता है तो डॉक्टर के पास जाकर कह रहा है मुझे ऐसा लगता है छत मुझ पर गिर रही है, मुझे ऐसा लगता है मैं खड्डे में गिर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को सोच सोच कर अपने ऊपर हावी कर लिया और एक बीमारी उसने पाल ली। तो ये सब चीज़ें तो उसके अंदर, तो उसको क्या होना चाहिए कि तकदीर पर ईमान होना चाहिए कि कुछ नहीं हो सकता है, ये हो रहा है तो तकदीर में मेरे लिखा है और ये होना ही है, और अल्लाह ने लिखा है तो बेहतरी के लिए लिखा होगा मेरे लिए। तो तकदीर पर उसका ईमान होना चाहिए, बीमारी है उसके पास में, और अगर तकदीर पर ईमान नहीं, कितने ही उस पर तुम अस्बाब कितना ही कर लो, दुनिया के सारे डॉक्टर है, 100 डॉक्टर उसने खड़े कर लिए दुनिया के सारे बड़े बड़े, लेकिन क्या उसको मौत आएगी बच सकता है? क्या वो डॉक्टर उसको बचा लेंगे? डॉक्टर खुद को मौत आना है। तो आदमी तमाम चीज़ें कर लेता है, लेकिन जो लिखा है वो होना है। क्योंकि जिस डॉक्टर के हाथ से शिफा लिखी उससे मिलना है, आदमी सोचे 10 डॉक्टर मैंने चेंज कर लिए, मैं तो ठीक नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कि मैं इसी में मर जाऊँगा, वो डॉक्टर नहीं ढूंढा जिसके हाथ में अल्लाह ने शिफा लिखी। देखिए हम देखते हैं कि आदमी, बहुत सारे आदमी तमाम बोले मैंने इलाज करा करा के थक गया, पूरी अमेरिका से लेके जो श्रीलंका तक सब दूर इलाज करा लिया मैंने, कहीं इलाज नहीं हो रहा, तमाम जगह चला गया, लेकिन आदमी को एक आदमी मिलता है बोले क्या हुआ, बोले ये परेशानी, बोले ये पुड़िया खाओ, पुड़िया खाता ठीक हो जाता। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके, एक पुड़िया ने काम कर दिया। क्यों? अल्लाह ने तुम्हारे लिए तकदीर में वो लिखा था कि इस पुड़िया खाने से इलाज होगा तुम्हारा। तो तकदीर पर उसका यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने अगर लिख दिया तो मैं ठीक होऊंगा, नहीं तो फिर मैं इसी में मुझे मौत आगा। तो आदमी जो है अल्लाह पर एतमाद रखे। आदमी सीने में दुखता है, आदमी परेशान हो जाए सीने में दुख रहा और अटैक तो नहीं आने वाला, मर तो नहीं जाऊंगा, साइलेंट अटैक तो नहीं आने वाला, वो उससे अपने आप का सुकून बर्बाद कर देता है, खुद का सुकून बर्बाद कर लेता है। फिर डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर कहता है ऐसा दिल में दुख रहा है बार बार, कंधा भी दुख रहा है, ये सब हार्ट अटैक की निशानी है मेरे पास में। डॉक्टर देखता है कुछ नहीं, तुम्हारे पेट में गैस हो गई, ये एक गोली ले ठीक हो जाएगा सुबह। उसका था इतनी छोटी सी चीज़ थी, लेकिन छोटी चीज़ को सोच सोच कर इतना बड़ा कर लेता है कि उसका सुकून चला जाता है, उसका सुकून ख़त्म हो जाता है। तो इंसान जो है खुद को, तो तकदीर को भूल जाता है। तो तकदीर पर उसका यकीन होना चाहिए, तो जो होना है वो होगा ही, मरना है मैं मरूंगा ही, नहीं तो आदमी नहीं मरने के चक्कर में ऐसे ही मर जाता है, आदमी ऐसे ही मर जाता है। तो डर डर के जीना उसकी आने वाले वक्त को ख़राब कर देता है, डर डर के हो जाता है। कई लोग देखिए, एक वाक्य आया था मेरे सामने कि एक मजदूर काम कर रहा था, कुएं बावड़ी खुदाई हो रही थी, बावड़ी खुदाई हो रही, तो वो गया वहाँ पर, उसने कपड़े कपड़े उतार के एक जो है वो खो थी उसके अंदर, एक उसके अंदर उसने डाला कपड़े उसके वहाँ पर रखे, और जैसे ही उसको क्या हुआ कि उसके हाथ पर कुछ लग गया, खून निकलने लगा, उसको उस वक्त मालूम नहीं पड़ा, तो उसने कहा खून निकलने लग गया, उसने कहा कुछ लग गया होगा, रगड़ उसने जो है पट्टी बांध कर शाम तक काम करता रहा, पूरे दिन काम किया उसने, लेकिन शाम को फिर गए वापस उसका जो है कपड़े उठाने के लिए, वहाँ देखा तो उसने देखा सांप था, तो उन्होंने कहा कि तो सांप ने काट लिया, तो उससे अटैक से मर गया, वो दिन भर से नहीं मरा, खाली वो सोच के मर गया कि सांप ने काटा। तो आदमी सोच से मर जाता है, कभी कभी सोच से ही मर जाता है। तो हमको क्या है, एतमाद डर डर के अगर तो ज़िंदगी हमारी ख़राब हो जाती है, और फिर नहीं तो हमारा सुकून ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करना है, लेकिन कोशिश को रब नहीं बनाना है, हमारी कोशिश को रब नहीं बनाना, यकीन रखना है अल्लाह के ऊपर। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि नबी कहो कि हमें जब तक कोई तकलीफ़ नहीं पहुंच सकती जब तक कि अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखना दी हो, तब तक आप तक कोई तक आपको नहीं मिलेगी। तो हम देखें, जब तक अल्लाह ने नहीं लिखा तो तकलीफ़ पहुँचनी ही नहीं, वो शिफा मिलनी नहीं है अगर अल्लाह ने नहीं लिखी।
क्योंकि देखिए कोई कितना ही खतरनाक काम करे लेकिन उसके बाद भी देखिए बच जाता। आप हम क्या सोचते हैं, हम तो कूदने में डरते हैं, लोग ऊपर से एरोप्लेन से नीचे कूदते हैं। अब वो नहीं खुला, एक गठान की बात है, एक गठान के अंदर वो पैराशूट के साथ में कूद रहा है, नहीं खुला तो मर जाए, लेकिन वो भी कूद जाता है। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बाकी रखी है तो खुलता है वो। कितने लोग मरते हैं उसके में, वहाँ से भी लोग कटते हैं, कोई नदी में कूद रहा है पैरों में रस्सी बांध कर। तो तकदीर पर भी यकीन होना चाहिए, क्योंकि हम देखें कि खालिद बिन वलीद कितनी जंगें उन्होंने लड़ी है, सैफुल्लाह कहा, अल्लाह की तलवार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब दिया कि अल्लाह की तलवार है, इतनी जंगें उन्होंने लड़ी और इतने कम कम वो बड़ी बड़ी फौजों के अंदर घुस जाते थे, 30-30 लोगों के लेके हज़ारों के अंदर घुस जाते थे, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। और कोई किसी जंग के अंदर उनको जो है वफात नहीं हुई, शहीद नहीं हुए, वफात कहाँ हुई उनकी, बिस्तर पर वफात पाई, जबकि वो इतनी जंग लड़ी उन्होंने, इतनी जंगें लड़ी, इतनी ज़्यादा कि साहबा ने जंग नहीं लड़ी, इतनी जंगें लड़ने के बाद वफात कहाँ पाते, बिस्तर पर, क्योंकि तकदीर में वहाँ लिखी नहीं थी, शहादत नहीं लिखी थी, तो उनकी वफात बिस्तर पर हुई। तो कोशिश करें लेकिन यकीन अल्लाह पर, तकदीर पर, ऐसा तकदीर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इंसान अगर इस पर यकीन कर ले तो कभी इंसान दुनिया के अंदर खुदकुशी नहीं करेगा। उस चीज़ को मान ले कि जो भी मुसीबत है, ये जितनी भी तकलीफ मुझे आ रही है, जो भी आ रहा है, तो ये इतना नहीं है और ये मेरी ताकत से ज़्यादा नहीं है, मुझ में और ताकत है, अगर मुझ में ताकत खत्म हो जाती अल्लाह मौत दे देता। तो फिर ऐसा तकदीर पर यकीन करेगा तो कभी इंसान दुनिया के अंदर खुदकशी नहीं करेगा। तो तकदीर पर एतमान होगा तो ये भी दिल को सुकून देता है। इसी तरह जो है पांचवी जो चीज़ है कि लोगों के काम आना, लोगों को खुश करेगा तो इंसान खुद खुश रहेगा, लोगों को खुश रखेगा तो इंसान खुद रखेगा। तो असली खुशी यही है कि दोनों लोगों को वो खुश रखे, कि दोनों उसके अंदर खुश होना चाहिए। क्योंकि एक आदमी खुशी तभी होती है, जैसे एक आदमी है वो इत्र लगाता है, बोले मैं दूसरे को इत्र, खुशबू इसके पास से आनी चाहिए, मैं इसको खुशबू दूं तो वो उसके लिए इत्र लगाने जाएगा, तो क्या करेगा, हाथ में इत्र मलेगा, उसके कपड़े पर लगाएगा, तो क्या उसके अंदर से उसके पास में खुशबू नहीं आएगी, आना ही है, क्योंकि उसने उसको खुशी दी, उसने उसको इत्र दिया तो इसके पास भी खुशबू होना है। तो वही है, तो खुशी अगर हमको तलाश करना है तो दूसरों को खुश रखेंगे तो हमारे पास में खुशी आएगी, दूसरों को खुश रखेंगे तो हमारे पास में, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में क्या बोला, एहसान का बदला एहसान है, तो खुश रखोगे तो खुशी का बदला खुशी है। तो दूसरों को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए कि तुम जमीन वालों पर एहसान करो तो अल्लाह तुम पर एहसान करेगा, या तुम जमीन वालों पर रहम करो तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। तो तुम रहम करो पहले, तो उसके बाद तुम पर रहम अल्लाह करेगा, ये नहीं कि तुम रहम नहीं करो और अपने ऊपर रहम मांगो कि अल्लाह तू रहीम है, तुम रहमत दे दे, तो तुम लोगों पर तो रहम करो तब तुमको रहम, तो हम देंगे तो मिलेगा, ये अल्लाह का कानून, दुनिया ऐसे ही अल्लाह ने बनाया। तो अपनी खुशी, आदमी अपने अंदर खुशी, लोग मुझे खुश रखना, बीवी मुझे खुश रखना, बच्चे मुझे खुश रखना, पड़ोस मुझसे खुश रखना, रिश्तेदार मुझे खुश रखना, तो अपने आप को खुश रखना चाहता है, लेकिन वो सबको कुछ देता नहीं है, तो कुछ नहीं देगा तो उसको खुशी नहीं मिलेगी। तो ये है कि हम जो खुश खुशी दे तो खुशी मिलेगी। एक गरीब के पास कुछ नहीं है, आपने उसको जो है कपड़े पहना दिए, आपने उसको खाना खिला दिया, तो उसके बाद में वो खुश होगा, तो आप देखकर जो उसको आपको खुशी मिलेगी वो खुशी आप नहीं कर सकते। एक आदमी था, भूखा था, बीमार है, आपने उसको दवाई दिला दी, अब वो खाना नहीं खा रहा था, आपने एक होटल से उसको खाना ले के दे दिया, भाई अच्छी होटल जो आप खाते हैं वैसा खाना आपने उसको दिया, और वैसा खाना उसके नसीब में था ही नहीं, बचा खुचा होटल से उसको दे मिल जाता था, वो बचे खुचे बासी खुशी सब्जियाँ रोग रखते हैं, रोज के रोज भी नहीं देते, लोग क्या करते हैं कि देना भी होता है तो क्या करते हैं, पहले कि सब्जी सब्जी बच गई फ्रिज में रख दो, शाम को खाएंगे, शाम को दूसरी बना, अब नहीं नहीं खाना वो भी रखी रहने दो, तीन चार हो गई, अब चार पांच दिनों के उसके बाद पहले अब कोई नहीं खाएगा, अब उसको बेस्वाद हो गई भी पड़े पड़े, उसके बाद उठा के सब उसको दे दो, तो इसमें क्या खुशी है, वो खाना वो खा रहा है और वैसा खाना उस होटल पर जाए, उसको अच्छा खाना खरीद कर दे और उसके बाद उसको बैठ कर खिलाए, वो खाए और उसको देखे वो खाते हुए, उसके बाद कहेगा भाई मैंने ऐसा खाना खाया ही नहीं था, खाई नहीं था, तुमने खाना मुझे खिला दिया भाई, एहसान किया। वो जो खुशी मिलेगी वैसी खुशी खरीद नहीं सकते, वो खुशी वही है। तो देने से खुशी मिलती है, तो ये खुदगर्जी हम ना करें, खुदगर्जी अगर करेंगे तो वो खुशी नहीं है। तो कुछ अच्छी बात किसी को दे देना, अल्लाह के क्या किसी को अच्छी बात बता देना तक सदका है, अगर किसी को अच्छी बात बताएंगे तो आपको खुशी मिलेगी, वो अमल कर लेगा तो आपको खुशी मिलेगी, अरे मैंने इसको बताया ये इन्हें क्या अमल, खुशी मिलेगी। आपने बोला नमाज नहीं पढ़ता, बोले आप मुसीबतें, बोले नमाज पढ़ो, नमाज में जी लगाओगे तुम्हारे गम दूर होंगे, सब्र तुमको मिलेगा, ओके हाँ यार तुमने नमाज की बोला, नमाज पढ़ना बड़ा सुकून आया, तो आदमी को खुशी होगी, अरे मैंने इसको बताया
और इसको सुकून मिला। तो दूसरों की खुशी के अंदर खुशी मिलती है, क्योंकि किसी को खुशी देना, बीमार कोई बीमार है, उसकी मिजाज पोशी करने गया, बीमार है तो उसको उसके पास जाके उन्होंने पूछा उससे, भाई कैसे हो, अरे सब्र करो अल्लाह, अरे क्या मुसीबत है, ये बीमारियाँ तो आती जाती रहती हैं, इससे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह को झाड़ देता है और ये होता है, और ये तो सब तुमको अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर रहा है, तुम्हारे गुनाह झड़ रहे हैं, तो उसको भी खुशी मिलेगी, सब्र आएगा, इसको भी सब्र आएगा, इसको फिर जल्दी दुकान भी जाना, फटाफट चला जाएगा, नहीं तो बैठा रहेगा उसके साथ गम के अंदर, उसका दुखड़ा सुनने लगेगा तो वो पूरा पूरी रामायण लेके बैठेगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक होगा, ना तो इसको खुश होगा ना वो खुश होगा। तो अच्छी बात करे तो ये सदका है, अच्छी बात को करे तो ये अल्लाह ने, अल्लाह का कानून यही कि उसको दो तो आपको अल्लाह फिर उससे दुगुना तिगुना और हजारों गुना देगा। किसान है, ज़मीन में क्या देता है, ज़मीन को क्या देता है वो, एक बीज देता है, तो ज़मीन उसको क्या देती है, साथ में हज़ार बीज निकाल कर देती है। तो दुनिया में अल्लाह ने सिस्टम ही ऐसा रखा है कि तुम दो तो फिर तुमको वो उससे ज़्यादा मिलेगा, तभी तो एक बीज बोएंगे तो अब देखो कितने सारे 100 दाने के उसके अंदर गेहूँ निकल रहा है, एक गेहूँ बो रहा, और दूसरी चीज़ अगर सरसों एक बोता है तो उसमें तो फिर लाखों से निकल रही, एक से उसके अंदर इतनी निकल रही। तो ये तो अल्लाह ने दुनिया में इसको, इसी अल्लाह का कानून ही यही है। तो घर में जाए तो सबको खुश रखे, वो बीवी से खुश, उसको खुशी दे तो उसको फिर उसको रिटर्न में क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। बच्चों को खुशी दे तो उसको खुशी मिलेगी, तो घर वालों को, पड़ोसियों को, सबको वो खुश रखेगा तो जो है वो खुश रहेगा। नहीं तो अगर वो सब कहेंगे सब मुझे खुश रखे तो फिर ना तो वो खुश रहेंगे ना ये खुश रहेगा, तो इसको खुशी को तलाश करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर तू चाहता है कि तेरा दिल नरम हो तो तू क्या कर। कोई आदमी चाहता ना कि यार मेरा दिल नरम हो जाए, शक्ति है मेरे अंदर, शक्ति होती है उसी वजह से तो होता है, क्यों चिल्लाता, क्यों गुस्सा क्यों आदमी अंदर, शक्ति की वजह से आता है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या उसूल बताया कि अगर तू चाहता है कि तेरा दिल नरम हो जाए तो तू क्या कर, मिस्कीन को खाना खिला और यतीम के सिर पर हाथ फेर, तो तेरा दिल नरम हो जाएगा। तो हमारा दिल नरम करना है तो क्या करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, बगैर खिलाए तो दिल नरम नहीं होने वाला। वो यतीम की किफालत करना, उसके सर पर हाथ फेर, तो एहसान करो, वो बेगर्ज एहसान, दिल से एहसान होना चाहिए तो दिल में सुकून आएगा। ऐसा नहीं कि बेगर्ज नहीं, हमने दिया तो उसको दे दिया, जता रहा ये कपड़े पहन के घूम रहा, मैंने दिया इसको, तो फिर आपको सुकून नहीं मिलने वाला। आप ये मत सोचो कि उससे सुकून मिल जाएगा, कितना ही आप उसको लाख रुपये का सूट दे दिया लेकिन वो सुकून नहीं मिलेगा। बेगर्ज एहसान मांगना चाहिए तो आपको सुकून मिलेगा। और अल्लाह के, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाते हैं कि अल्लाह को वो लोग पसंद है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, पसंद वही है अल्लाह को जो लोगों को फायदा पहुँचाने वाले। और अल्लाह दुनिया में बाकी भी रखता है, कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह दुनिया में बाकी उनको रखता है जो लोग दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, दूसरे के फ़ायदे में तो अल्लाह उसको दुनिया में बाकी रखता है, या तो उनकी याद बाकी रखता है उनके मरने के बाद, लोग याद भी करते हैं उनको, तो ये तो दूसरों पर हमको, तो एक मुसलमान, वो कई हदीसें मिलती हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को खुशी दे, उसको नाराज़ ना करे, उसको खुश कर दे। और तो ये सब खालिस होना चाहिए, अल्लाह के लिए होना चाहिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए होना चाहिए, एहसान जताने के लिए होना चाहिए, तो फिर उसके दिल को सुकून मिलेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं बड़े बड़े जो सब यही बताते हैं, अब ये अल्लाह के रसूल ने हमको बता दिया, कब से बता दिया, अल्लाह ने बता दिया, उसके रसूल ने बता दिया, हमारे पास हज़ारों सालों से चीज़ें मौजूद, लेकिन अब हम आदमी सुकून तलाश करता है डॉक्टर के पास जाता है, फिलोसोफर के पास, फिलोसोफर उसको बताता है, सुनाता है, व्याख्यान देता है, फिर वो सुकून ढूंढने के लिए मोटिवेशन लेक्चर के अंदर जाता है, इतना मोटिवेशन भरा हुआ है दीन के अंदर, इतनी कुरान की आयतें मोटिवेशन के लिए, इतना जो है उसके अंदर हमारे पास में अल्लाह के रसूल सल्लम हदीस है, इतना मोटिवेशन उसके अंदर भरा हुआ है, सलफ़ के अकवाल किताबें पढ़े, इतना मोटिवेशन उसके अंदर, लेकिन हम क्या करते हैं, मोटिवेशन स्पीच सुनने जा रहे हैं, 10,000 फीस, 5,000 फीस, वो आता है आदमी सामने मोटिवेशन उसको कर देता है और वो जो बाहर से निकलता है बस अब दुनिया जीत लूँगा, उसे कंदर बन जाता है वहाँ, लेकिन घर जाता है सोता है सुबह वापस वही हालात। ये जिंदगी में प्रैक्टिस से आता है, एक दिन मोटिवेशन लेक्चर सुनने से नहीं हो जाता कि आदमी सुन ले। आप देखें इंटरनेट पर भी, आप देखें सबसे ज़्यादा व्यू किसके होते हैं, मोटिवेशन लेक्चर आप देखें उसके व्यू, हम उस पर भी देखते हैं तो उनके व्यूज लाखों करोड़ों लोग उनके देख चुके, क्यों उनसे उनको सुकून मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं जिंदगी। तो रोज जीने का मरहला है, इसलिए इस्लाम ने हमको सिखाया कि तुमको रोज जीना ये काम करना है, रोज काम करना है। सहाबा करते थे, सहाबा अल्लाह के रसूल से आकर पूछा करते थे कि अल्लाह के रसूल पूछते सहाबा आकर सहाबा से कि आज किसने गरीब को खाना खिलाया, सहाबा कहते वो सबसे आगे कौन करते, अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने किया। आज किसने मुसाफिर को रास्ता दिखाया, मैंने दिखाया। आज किसने ये नेकी की, मैंने की। आज किसने किसको पानी पिलाया, मैंने पिलाया। आज किसने किसका बोझ उठाया, मैंने पिलाया। नहीं, तमाम रोज के काम थे इसलिए सुकून में रहते थे। तो रोज करना है, एक दिन मोटिवेशन लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता है,
तो हम ये देखें तो इसके लिए क्या करना था, रोज़ की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए तो फिर होगा। तो सब फिलोसोफर भी यही बताते हैं। और उसके बाद में जो डॉक्टर के पास में ये कि भाई खर्च करो, दूसरों को तुम खुशी दो तो तुम्हें खुशी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। तो ये दिल को सुकून मिलता है और ये अल्लाह के रसूल ने हमको कब से बता दिया। इसी तरह जो है और किससे हमारे को सुकून मिल सकता है, सब्र और नमाज के जरिए से। तो बंदगी के साथ में नमाज को अदा करें, बंदगी के साथ में अपनी नमाज को अदा करें कि वो रब है और नमाज उसको आखिरत याद दिलाती है। नमाज उसको आखिरत कैसे उसने पूरा किया सुकून, यानी उसको मालूम होना चाहिए। नमाज पढ़ रहा है तो उसी वैसे ही नहीं पढ़ने के लिए पढ़ रहा, उसको तब उसको सुकून मिलेगा। तो अल्लाह के सामने क्या होता है कि वो अल्लाह के सामने मुसीबत बयान करता है, अल्लाह के सामने नमाज के अंदर अपनी मुसीबत बयान करता है और उसको दिल को इत्मीनान होता है क्योंकि सब नमाज में कह देता है। अल्लाह ने कहा भी कि सब्र और नमाज के जरिए से मदद हासिल करो, तो वैसे हासिल करता है नमाज में, सब अल्लाह को कह देता है कि अल्लाह वो तो जानता है ना, अल्लाह उतना वो कर ले, उसको यकीन हो अल्लाह के ऊपर, उसके दिल के अंदर ये हो कि अल्लाह मैं क्या दुआ मांगूँ तो जानता है ना मेरे पास क्या मुसीबत है, मेरे दिल में है तो उससे गाफिल नहीं है, तो ये सब मालूम, तो बस उसको तो हल कर दे, इतना कह दिया उसने काफ़ी है उसके लिए, उस यकीन एतमाद के साथ में। उसके लिए कोई हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, जताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बंदा दुआ करता आधा आधे घंटे तक, कोई ज़रूरत नहीं है बगैर हाथ रखे। अल्लाह ने तो ये भी कहा कि अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो करवट पर भी अल्लाह को याद करते हैं, लेटे बैठे खड़े तो कहीं पर भी याद कर सकता है, इतना कर सकता है। अल्लाह तू जानता है क्या मुसीबत है मेरे ऊपर, तो उसको हल कर दे, यकीन एतमाद के साथ में करेगा तो उसके दिल को सुकून मिलेगा। तो उसके लिए जो है नमाज एक अच्छा जरिया है। इसी तरह जो है अंबिया के हालात को देखे, सलफ के हालात को देखे, उससे सुकून मिलेगा। वाकयात पर नज़र रखें कि मैं ही नहीं हूँ कहीं ऐसी मुसीबत, क्या आदमी सोचता है कि सारी मुसीबत क्या मेरे ऊपर ही देनी थी, अल्लाह ने सब मुसीबत मुझे ही दे दी, देखो पड़ोसी कुछ नहीं करता तो भी देखो मैं तो नमाजी हूँ, मैं तो फला हूँ, लोगों को देता हूँ, उसके बाद भी मेरे पास मुसीबत। तो वो अंबिया के वाक़ात को देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, उनकी ज़िंदगी बचपन ही से उनको जो है कुएं में डाल दिया, वहाँ फेंक दिया, फिर एक कौम आई उनको उठा के ले गई बेच दिया, उसके बाद में जवान हुए तो उनको जेल में डाल दिया, उसके बाद इतनी मुसीबतें रही, यानी उसके बाद फिर जाके बाहर निकले और फिर तो उनके बाद मुसीबत है। याकूब अलैहिस्सलाम उनके वालिद थे, वो उनके बेटे के गम में रो रो के उनकी आंखें अंधे हो गए, वो तो अंबिया अलैहिस्सलाम उनके बाप वो तक जो है इसके अंदर, तो उनको भी आजमाया जाता है, उनके अंदर भी ये तब मुसीबतें, अल्लाह ने पैदा ही ऐसा किया इंसान का होकर उसके अंदर मुसीबत तकलीफ उसके साथ में होना है। और अल्लाह के रसूल सल्लम को उनकी ज़िंदगी को देखें, अल्लाह के रसूल कितने तरह के कि कितने वाक़ात मिलते कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती कि हमारी यहाँ महीनों तो चूल्हा ही नहीं जलता था, फाके की ज़िंदगी थी, कैसे गुजारते थे सहाबा पूछते कैसे गुजारते, दो काली चीज़ों पर, पानी पर और खजूर पर हम खा के ज़िंदगी गुजारते थे। अल्लाह के रसूल सल्लम जो है रोटी नहीं बनाते थे क्योंकि आटा इतना कम होता था कि उससे रोटी बनाए तो वो सूख जाता है, सीधी सी बात है, गीला रहेगा तो ज़्यादा पेट भराएगा, तो उसको जो है पानी सत्तू जैसे घोल कर आटे को रोक पी जाते थे, ये लोई बनाकर उसकी निगल लेते थे, उससे पेट भराएगा क्योंकि उसकी रोटी बना देंगे तो उसका वजन खत्म हो जाएगा। तो ये उनके पास में, तो वो ये वाक़यात पर नज़र देखे तो उसके दिल को सुकून आएगा, तब उसको सुकून मिलेगा। इन चीज़ों को वो देखेगा कि अल्लाह के रसूल के भाई मेरे औलाद की मौत हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लम के बेटों की वफ़ात उनके हाथों में, तो वो उस पर नज़र रखे। तो ये सब देखेगा कि ये तो इतने मुत्तकी परहेजगार थे, इस पर मुसीबतें थी, तो फिर मैं क्या हूँ, मेरी तो हैसियत क्या, मेरी तो औकात क्या, तो मेरे पास में भी रहना है। तो इंसान ये जब देखेगा तो उसको सुकून आएगा। सहाबा की ज़िंदगी को देखें कि ये तब उसको सुकून आएगा। तो इस कुरान में वाक़यात बताए तो इसलिए हमारे पास वाक़यात है, खाली सुनाने के लिए नहीं बताएगा, आप जो सुनाओ इस स्टोरी है इसके अंदर नसीहत उससे हासिल करके देखो इन पर भी मुसीबतें थी, तो हमारी मुसीबत तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, बल्कि इतने मुत्तकी परहेजगार थे, तो उससे सुकून मिलेगा। उसके बाद मसाइल में दुआ करना, ये भी दिल को सुकून देता है। अल्लाह के रसूल सल्लम के ताल्लुक से आता, जब भी उनको कोई फिक्र गम या कुछ मुसीबत दिखती, आंधी तूफान सूर्य ग्रहण ये जो भी कुछ भी होता उनको दिखता है मुसीबत की चीज़ें, वो सीधे दुआ की तरफ जाते, दुआ करते हैं अल्लाह से, तो कहते या अय्युल कय्यूम बि रहमतिका अस्तगीन, के जिंदा जावेद सबको थामने वाले तू तेरी रहमत के वसीले से मैं तुझसे फरियाद करता हूँ, तो मेरी दुआ को सुन ले। और अल्लाह के से तो दुआ किया करते थे, तो दुआ इंसान को सुकून दिलाती है, दुआ करता है ना तो उसको सुकून मिलता है, तकलीफ बोलने से कम होती है। डॉक्टर भी कहता है तकलीफ है ना बोलो कम होगी, तो जब उसके सामने ऐसा रब है जिसको बोले उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके सामने वो कहे कि अल्लाह तू तो जानता है ना मेरी सारी तकलीफ, तू जानता है तुझे क्या बताऊँ, तू तो सब जानता है, तो जब उसको बताता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है, मैंने सब अल्लाह को बता दिया, मेरे रब को सब मालूम है, तो उसके दिल को फिर सुकून मिलता है। इस तरह ज़िंदगी में जो छोटी बड़ी तकलीफ़ आती है उसके साथ में वो खुश रहे, हालात को मेंटेन करके वो खुश रहे, यानी कि सब चीज़ों में खुश रहे, बीवी से बच्चों से, उसके अंदर खुशी को ढूंढे,
उसमें खुशी तलाश करें, ये नहीं कि बाहर हालात ख़राब हो रहे तो अंदर भी घर के अंदर भी सुकून ना रखें। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लम जंग के अंदर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जंग पर जा रहे हैं। अब जंग में कितनी टेंशन, हमको बोले आदमी के लड़ने में जाता सुकून से जाता है, अल्लाह के रसूल जा रहे हैं जंग के अंदर जा रहे हैं, और वहाँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला से कि आयशा चलो दौड़ लगाओगी क्या मेरे साथ, सुकून तलाश कर। जंग के अंदर मालूम है जान जोखिम के अंदर जा रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन सुकून देखिए आप उनके पास। तो वो कह रहे हैं कि आयशा दौड़ लगाओगी क्या, ओके कि हाँ दौड़, और उन्होंने दौड़ लगाई। आयशा रज़ी अल्लाह तआला क्योंकि छोटी भी थी और वो जाके जीत गई। तो उसके बाद फिर दूसरी बार एक बार वापस हुआ, फिर वापस आई, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम क्या आयशा दौड़ लगाओगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ लगाओ। आयशा रज़ी अल्लाह तआला वो कुछ साल हो गए थे, तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला वज़न उनका बढ़ गया, उसके बाद वो दौड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लम दौड़ के आगे निकले, बोले बदला है उस दिन का, ये खुशी तलाश कर रहे हैं। तो खुशी इंसान को ढूंढने से मिलेगी, ये खुशी उसको तलाश करनी पड़ेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लम का मामला यही था, आयशा रज़ी अल्लाह तआला की गोद में लेटे हुए। क्यों हमको ज़िंदगी बताई जा रही है, क्यों बताए गए उनके जो मरहले थे जो पर्दों के पीछे थे, क्यों हमको बताया गया, क्यों अल्लाह ने हमारे सामने रखा, इसलिए रखा देखो ये खुशी ऐसे मिलती है, ये खुशी ऐसे उनको ऐसे मिलती है, क्योंकि वहाँ सुकून वो तलाश करे तो उनको खुशी है। वो सहाबा के बच्चों के साथ अल्लाह के रसूल खेल रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको गोद में बिठा रहे हैं, पेशाब कर दिया वहाँ मसाइल हमको बता रहे हैं, इसको कैसे तुमको पाकी हासिल करना है। तो तमाम के तमाम मामला हमको देखते, खुशियाँ उनकी है। एक बुढ़िया ही अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में, ऐसा भी नहीं कि ज़िंदगी पूरी नीरस ही थी अल्लाह के रसूल सल्लम के, भाई बस गमगीन ही, बस आखिरत हो रही है सिवाय कुछ नहीं, सब अल्लाह के रसूल सब खुशी तलाशते थे उसके अंदर, हंसी मजाक ये सब साहबों के बीच में हुआ करता था। एक बुढ़िया ही अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के रसूल सल्लम क्या मैं जन्नत जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, अल्लाह के रसूल क्या बुढ़िया जन्नत में नहीं जाती है, कोई बूढ़ा जन्नत में जाएगा नहीं, वो बुढ़िया बेचारी रोती हुई चली गई, मेरे आमाल सब कर रही क्यों नहीं जाऊँगी। अल्लाह के साहबा क्या बुलाओ उसको, बुलाए बोले बूढ़ी नहीं जाएगी जन्नत में, अल्लाह सबको भेजेगा जवान करके भेजेगा, खुश होकर चली गई। कई वाक़ात मिलते, कई वाक़ात जो अल्लाह के साथ उसमें, तो तमाम तकलीफ़ के बावजूद खुशी को तलाश करना पड़ेगा तो खुशी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हम उस पर तकिया करके बैठ जाएंगे तो मुसीबत के अंदर, तो फिर वो आदमी उसी में मुफ्तला होकर मर जाता है। इसी तरह जो है अच्छे लोगों के साथ रहना, ये भी जो है क्या होता है कि ये भी जो खुशी उसको उससे मिलती है और सुकून मिलता है उसके दिल को। यानी दोस्ती सही होगी तो उसके बाद में क्या होगा, उसके पास गम मुसीबत आएगी तो दोस्त सही होगा तो उसको सही बातें उसको बताएगा। दोस्त अगर उसके पास में दोस्त ऐसा हो उसका कि जो मुसीबत आए तो उसको और वो मुसीबत में डाल दे, और अरे मेरे भाई के पास भी आया था, मेरे पड़ोस के पास में भी ऐसा हुआ था, तो उसके साथ ऐसा हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था तो अभी तक वो लंगड़ा के ही चलता है, तब ये ऐसा आदमी इसे आदमी के अच्छे साथ रहेगा, अरे कोई बात नहीं, अरे ठीक हो जाएगा, क्या है इसके अंदर, ठीक हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, बीमारी है ठीक हो जाएगा, इसमें क्या है, और ये तो अल्लाह ने दिया है, और उससे अच्छी बात करे, उसको अल्लाह की याद दिलाए और उसको अच्छे वाक्यात सुनाए तो उसके गम को दूर कर देगा। तो अच्छे लोगों के साथ में रहेगा, अच्छे लोगों के साथ में रहेगा, मुत्तकी परहेज़कार दीन को जानने वाले लोगों के साथ में रहेगा तो फिर उसको दिल को सुकून मिलेगा। लेकिन तो ऐसे आदमी के साथ में रहेगा, ऐसे दोस्त उसके होंगे तो उसको सुकून नहीं देंगे। तो परेशानी बढ़ाने वालों के साथ में ना रहे परेशानी, बल्कि जो उसकी घटाएं उसके गम को समझे, ऐसे लोगों अपने साथ में वो रखें तो फिर उसके दिल को सुकून मिलेगा। तो दिल के सुकून के लिए क्या है कि जो चीज़ें मैंने बताई इसके अंदर 10 तकरीबन बातें थी, 10-12 बातें, तो ये दिल के सुकून अगर हमको चाहिए, जो हम तलाश कर रहे हैं, जो असल मकसद क्या है पूरी चीज़ों का, दुनिया में जो भी पूरे काम करता है आदमी, और जो भी जितने भी अच्छे काम करता है, सब किसके लिए, सिर्फ दिल के सुकून के लिए करता है, तो उसको दिल के अंदर सुकून आ जाए तो उसके लिए करता है। तो ये हमको दीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लम ने कुरान हदीस में ही हमको बातें मिलती हैं, इन पर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाएगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, अल्लाह जब मौत दे इस आलम में मौत दे, अल्लाह हमसे राजी हो, हम अल्लाह से राजी हो। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।